संजय दत्त को है मुन्ना भाई टीम का इंतजार, बोले भगवान से दुआ कर रहा हूँ फिल्म जल्द शुरू हो। संजय दत्त की मराठी डेब्यूट फिल्म बाबा का ट्रेलर मंगलवार को लॉन्च किया गया। संजय इस फिल्म के निर्माता भी हैं। इस दौरान उनके बॉलीवुड वर्क फ्रंट और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान एक्टर से मुन्ना भाई के तीसरे पार्ट के बारे में भी पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, मैं खुद इस फिल्म में काम करने के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये कब शुरू होगी इस बारे में राजकुमार हिरानी ही बता सकते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों की वजह से अटकी फिल्म संजय दत्त और राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई में एक साथ काम किया है। दोनों ही फिल्में सुपर हिट रही थी। दोनों फिल्मों की सफलता को देखकर राजकुमार हिरानी ने पिछले साल इसके तीसरी पार्ट की घोषणा की थी, लेकिन पिछले साल ही हिरानी पर मीटू कैंपेन के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे। इन आरोपों के बाद उन्होंने अपने कई प्रोजेक्ट्स को रोक दिया। इनमें मुन्ना भाई की तीसरी फिल्म भी शामिल थी, शमशेरा और पानीपत में नजर आएंगे। संजय के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो अब फिल्मों में दमदार रोल करना चाहते हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो फिल्म में अब वो एक ट्रेस के साथ पेड़ के पीछे रोमांस नहीं कर सकता। अब मैं हीरो की तरह नहीं बल्कि ऐसे किरदार के रूप में नजर आना चाहते हूँ जो फिल्म के लिए बेहद अहम हो। फिलहाल वो रणबीर कपूर स्टारर शमशेरा और अर्जुन कपूर स्टारर पानीपत में अहम रोल में नजर आएंगे। मूक बधिर कपल की कहानी है बाबा। फिल्म बाबा की बात करें तो ये ऐसे कपल की कहानी है जो सुनने और बोलने में असमर्थ है, लेकिन वो अपने बच्चे को बेहतर परवरिश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हालातों के चलते उन्हें अपने बेटे की कस्टडी लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने पड़ती है। फिल्म में दीपक डोभियाल, नंदिता दुरी, अभिजीत भट्टाचार्य और स्परिहा जोशी मुख्य भूमिका में हैं।